वेलकम डियर स्टूडेंट्स, 2017 ऑफलाइन JEE मेंस का ये पूछा गया क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों का यूज हुआ है। यहां पर मैक्सिमम केसेस में बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम केस में बच्चे सॉल्यूशन जब निकालने जाते हैं तो वो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दोनों की यूनिट या दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं, जो कि एक लेंथी प्रोसेस होता है। इसके प्लेस पे अगर आप इसको थोड़ा हल्का सा मॉडिफाई करें तो आंसर क्विकली निकाला जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स बोर्ड पर और समझिए इस बात को कैसा निकाला। देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ये क्वेश्चन हमें को सॉल्व अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। देखिए यहां पर क्या किया जाना चाहिए, हम एक बात जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। तो हम ये कह सकते हैं अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, अगर दोनों तरफ हम एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हो जाता है आपके पास में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ चुका है आपके पास में एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कह सकते हैं आप एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को मॉडिफाइड फॉर्म में एप्सिलॉन नॉट इंटू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसे क्या लिखा जा सकता है, सी लिखा जा सकता है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आ चुका है आपके पास एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को निकालने का सबसे आसान तरीका कूलम्स लॉ। मान लीजिए दो चार्ज आपके पास में, उनके बीच का सेपरेशन आ रहे हैं, तो फॉर्मूला दिया जाता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के को लिख सकते हैं आप वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे लिखा जा सकता है क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को डायमेंशन के टर्म में क्यू वन क्यू टू का डायमेंशन सेम है, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या निकाला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपके पास आ जाएगा चार्ज का डायमेंशन है ना, फोर्स का डायमेंशन और आर का डायमेंशन। तो हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे चार्ज के डायमेंशन का स्क्वायर, फोर्स का डायमेंशन है और आपके पास में आर स्क्वायर का डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का डायमेंशन लिखा जा सकता है एटी का होल स्क्वायर, फोर्स के लिए लिखा जा सकता है एम वन एल वन टी माइनस टू, और आर स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपके पास सीधा सीधा निकल कर आता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय एम की पावर वन एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस टू। तो चेक कीजिए एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा जा सकता है, एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर फोर और ए की पावर टू, ये है आपके पास में एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। नाउ एप्सिलॉन नॉट को सी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। सो एप्सिलॉन नॉट इनटू सी, तो हमें अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट सी इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो वी कैन राइट लाइक दिस, सी मतलब एल वन टी माइनस वन इंटू एप्सिलॉन नॉट, चेक करें आप कितना है, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर फोर और ए की पावर हम कह सकते हैं टू। तो यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला आता है एम माइनस वन एल माइनस टू एल माइनस टू टी की पावर फोर माइनस वन दैट इज थ्री और ए की पावर टू, दिस विल बी योर आंसर एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर थ्री और ए की पावर प्लस टू। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव।